नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार ब्लॉग में। जैसा कि आपने टाइटल पढ़ा होगा कि क्या सब लोग अमीर हो पाएंगे या फिर सब लोग अमीर क्यों नहीं हो सकते, उसका मैं रीज़न बताऊंगा। और देखिए क्या हुआ था कि मैंने अपने जो मेन चैनल है अपना सतीश के वीडियोस, वहां पर मैंने कम्युनिटी में एक पिक्चर पोस्ट किया था जिस पर लिखा हुआ था कि गरीबी मानसिकता के अलावा कुछ नहीं। तो काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई सब लोग मिलियनेयर बन जाएंगे, ऐसा पॉसिबल थोड़ी है। सब लोग अगर ऐसा सोचने लगे तो सब लोग मिलियनेयर बन जाएंगे, जो पॉसिबल ही नहीं है। सब लोग अमीर हो जाएंगे तो गरीब कौन रहेगा, माली कौन बनेगा, ड्राइवर कौन बनेगा, बाकी के जो छोटे काम है वो कौन करेगा जब सबके पास पैसे हो जाएंगे या सब अमीर बन जाएंगे, सब सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो ये सारे काम कौन करेगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 95% जो लोग रिच नहीं है या फिर रिच बनने की राह पर नहीं है, 95% लोग हैं ऐसे। सिर्फ 5% लोग हैं जो रिच माइंडसेट रखते हैं, जो मिलियनेयर है बिलियनेयर है, सिर्फ 5% में ही आते हैं। पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो इससे भी कम रेशियो हो सकता है, मतलब इससे कम प्रतिशत हो सकता है सक्सेसफुल लोगों का। लेकिन 95% लोगों का जो सोच है ना वो ऐसे ही है, कॉमन है। वो भी यही सोचते हैं कि अगर सब अमीर हो गए तो बाकी का काम कौन करेगा, कौन कूड़ा कौन साफ करेगा, कौन ड्राइवर कौन बनेगा, माली कौन बनेगा, वो भी यही सोचते हैं। और इसी वजह से वो अमीर नहीं बन पाते और अपने लाइफ में जहाँ पर रहते हैं वहीं पर रहते हैं। क्योंकि ये पूरा जो खेल है ना, अमीरी गरीबी जो पूरा खेल है ना, एक माइंडसेट का बस खेल है। मतलब जिसके माइंड में ये चीज़ भर गई कि ये चीज़ें हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, मैं तो बन ही नहीं सकता। इस वजह से क्या होता है कि सक्सेस मिलना मुश्किल हो जाता है या फिर लोग वहीं पर ठप हो जाते हैं। सबसे पहला रीज़न ये हो जाता है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, और हम अगर अपने आप को लिमिट लगाते हैं हमारे ऊपर कि हाँ मैं मिडिल क्लास में ही रहूँगा या फिर मैं इतनी ही मेरी औकात है, वो कहाँ से पता चलता है, वो किस कैसे डिसाइड करते हैं कि मेरी औकात इतनी है, मैं बताता हूँ कैसे डिसाइड करते हैं। हम अपने आसपास देखते हैं। अब अपने आसपास आप देखोगे, आपके आसपास में कौन है, कोई अमीर बंदा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कोई मिडिल क्लास का ही दिख रहा है, कोई मिडिल क्लास फैमिली दिख रही है, आपको पता है वो क्या करते हैं, तो आपको लगता है वो भी तो इतना ही मेहनत करता है और उसके पास भी यही है, तो हो सकता है कि इस तरह के लोगों के पास में इतना ही पैसा होना चाहिए या फिर इतनी ही सक्सेस होनी चाहिए। ये हमारे माइंड में ये चीज़ें हो जाती है, हम आसपास के माहौल को देखते हुए खुद को उसी तरह से लिमिट लगा देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने उस वीडियो में मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि जैसे मान लीजिए मैंने खुद बीटेक किया हुआ था, जब मैं बीटेक पास आउट किया तो उस टाइम पर मैंने खुद की जो औकात मैंने अपनी लगाई थी 15,000 से 20,000 रुपये की लगाई थी कि 15,000 से 20,000 रुपये की स्टार्टिंग में जॉब लग जाएगी, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मेरा माइंडसेट था। और मेरा माइंडसेट आया क्यों था, क्योंकि उस वक्त जो भी बीटेक करके पास आउट हो रहा था 2016 में, तो सबकी ऑलमोस्ट जॉब इतने के ही जॉब लगती थी, अगर लगती भी थी तो इतने के लगती थी, तो मैं भी उतना ही सोचता था। क्योंकि हमने तो ये सुना था जो IIT से बीटेक करके जाते हैं उनके ही लाखों में सैलरीज होती हैं, तो हम तो IIT से बीटेक कर नहीं रहते, ना ही किसी अच्छे कॉलेज से जहाँ पे अच्छे खासी कंपनियाँ आती हैं जो प्लेसमेंट करती हैं, और हम अपने नॉलेज के हिसाब से अपने परसेंटेज के हिसाब से अपने औकात का अंदाज़ा लगा लेते हैं। और मोस्टली यही लोग करते हैं, जो सबसे गलत चीज़ है हमारे लाइफ को वहीं पे ठप कर देता है। मतलब हम जितना सोच सकते हैं उतना ही कर पाएंगे। तो जिस दिन आप अपने मन से ये निकाल दोगे कि अगर सब अमीर हो जाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि ये सब लोग ऐसा सोच ही नहीं पाएंगे, सब लोग इस तरह का माइंडसेट ला ही नहीं पाएंगे। अब ऐसा क्यों, एक और इसका रीज़न मैं बताता हूँ, एकदम प्रूफ के साथ, साइंटिफिक तरीके का जो मैं रीज़न आपको दे रहा हूँ, एकदम प्रूवन है जो ऐसा होता है। अब जैसे मान लीजिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसमें से इसको अगर 1,000 लोग देख रहे हैं, 1,000 लोगों में से इसको अच्छे से सुनने वाले सिर्फ होंगे 5% लोग। अब 1,000 का 5% निकाल लो, ऑलमोस्ट कितना हुआ, 50, एम आई राइट, 50 लोग इसको ठीक से देखेंगे। अब उस 50 लोगों में से जो 5% होंगे, हो सकता है उन्होंने अगर इसके बारे में पहली बार सुना हो तो उस पर एक्शन लेंगे, तो उस 50 में से 10 लोग एक्शन लेंगे। अब वो 10 लोग एक्शन लेने के बाद चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे काफ़ी टाइम तक, उसमें से भी कुछ ही प्रतिशत लोग। आप रेशियो देख रहे हो, 1,000 लोगों से कहाँ 10 में आ गए, 10 में गिनती हो गई। अब 10 में से ही 1-2 लोग सफल होंगे, अगर वो कंसिस्टेंटली उन्होंने इस माइंडसेट को रखा और इस माइंडसेट के साथ काम किया, तो वो लोग सफल होंगे अपने लाइफ में कुछ दिन के बाद, कुछ वक्त के बाद, कुछ साल के बाद। आपको समझ में आ रहा है? और ये हर जगह ये रूल लागू होता है, हर चीज़ में लागू होता है। CTR का आपने नाम सुना है, क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट को एक एवरेज, एक नॉर्मल CTR माना जाता है 5 से 10% के आसपास, एक इसको माना जाता है कि इतना ऑलमोस्ट CTR होता है। और ये लगभग हर चीज़ में काम करती है, मेरे हिसाब से तो एक यूनिवर्सल हो जाता है जो CTR वाला चीज़ है।
हर चीज में। देखिए इतने सारे, एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, वीडियो बड़ी हो रही है क्या, नहीं 5 मिनट की वीडियो हुई है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखो एकदम दिल से बातें आ रही है, तो अभी जैसे मान लीजिए हम आप स्कूल में चलते हैं, अगर आप स्कूल में कॉलेज में तो पढ़ाई होगा आप लोगों ने, स्कूल में चलते हैं, स्कूल में एक टीचर होती है, एक घंटा पढ़ाती है कितने बच्चों को, 50 बच्चों को। अब आप देखो, अब आप थोड़ा पीछे जाके देखा हो आप कि जो भी 50 बच्चे थे उसमें से कितने लोग टॉप करते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे 3 लोग आते थे। लेकिन ऐसा क्यों, सब लोग क्यों नहीं आए, सब क्यों नहीं आए, या फिर सबके 100 मार्क्स क्यों नहीं आए, सिर्फ 3 ही 4 लोगों के क्यों आए 100 मार्क्स, क्योंकि सबने तो बराबर पढ़ाई करी थी और सब पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, मतलब सब अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ रहे हैं, फिर क्यों नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि सब ठीक है, चलो एक माइंडसेट के साथ पढ़ रहे हैं कि हमें पास होना है, हमें अच्छे नंबर लाना है, चलो माइंडसेट तो यहाँ पे पास होता है, माइंडसेट चलो सबका एक जैसा। लेकिन अब मैंने क्या बोला कि उसमें से कुछ ही लोग होंगे जो कंटिन्यूअस एफर्ट्स डालेंगे आखिरी समय तक, कुछ लोग होंगे आज जोश आया, आज पढ़ाई किए, उसके 2-3 दिन के बाद वो भूल गए, जोश खत्म, पढ़ाई खत्म। लेकिन जो टॉप करने वाले होते हैं वो आखिरी दम तक पढ़ते हैं, आखिरी जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक पढ़ाई करते हैं, एग्जाम होने के बाद भी वो आगे की सोचते हैं, आगे का पढ़ाई करते हैं। तो उनका माइंडसेट तो चलो अच्छा था, माइंडसेट के साथ साथ उन्होंने कंसिस्टेंटली अपने काम को किया भी, इसलिए वो सक्सेसफुल हुए। तो पहले तो माइंडसेट चेंज करो, माइंडसेट चेंज करने के बाद भी चीजें करनी होती है जो कंटिन्यूअस एफर्ट्स डालने पड़ते हैं जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलता। तो कुछ प्रूवन सिद्धांत है, जो इन सिद्धांतों को समझ के उन पे काम करता है वो अपने लाइफ में सक्सेस पा लेता है या फिर सक्सेस की राह पर होता है। जो लोग इन सिद्धांतों को जानने के बावजूद भी एक्शन नहीं लेते हैं, अगर एक्शन लेते भी हैं थोड़े टाइम के बाद छोड़ देते हैं, तो उनको सक्सेस नहीं मिलती। ये बेसिक सा डिफरेंस है, इसीलिए हर कोई अमीर नहीं हो सकता, हर कोई एक्शन लेता ही नहीं है पहली बात, और जो एक्शन लेते भी है वो थोड़ी देर के बाद छोड़ देते हैं, और जो आखिरी समय तक एक्शन लेता है, आखिरी समय तक यानी सक्सेस मिलने तक जो एक्शन लेता है वही सफल होता है। उम्मीद है कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि सब लोग मिलियनेयर क्यों नहीं बन सकते या सब लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं हो सकते। मिलियनेयर होना एक थोड़ा सा अलग हो जाता है, सक्सेसफुल की अगर बात करें तो सब लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं हो सकते, उसका मैंने पूरा ब्यौरा इसमें दे दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड जो भी अगर आपको लगता है आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं इसके बारे में जो भी मैंने बातें करी हैं, आप कमेंट में बता सकते हैं और मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, जरूर पढ़ूंगा। और ठीक है, इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने फॉलो किया ही होगा, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर मैं इस तरह की बातें करूँगा जो सीधा हार्ट टू हार्ट होगा बात, मतलब एकदम दिल से बात निकलेगी, आप लोगों के दिल तक पहुँचेगी, और जो भी चीज़ें होंगी मेरे एक्सपीरियंस, मेरा जो एक्सपीरियंस होगा मेरे लाइफ का, मैं क्या चीज़ें कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, मैंने क्या सीखा, वो सारी चीज़ें मैं इस चैनल पे मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल दबा लेना, और थोड़ा मैं कंटिन्यूअस वीडियोस करूँगा, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो थोड़ा सा मतलब मैं बिजी हूँ, ये अकेले खाना बनाना पड़ता है, फिर शूट करो, फिर एडिट करो, तो थोड़ा सा मतलब हैक्टिक हो जाता है। चलो ठीक है, तो आप लोग सुरक्षित रहो, घर पे रहो, और ख्याल रखो अपने घर वालों का, अपना, और ध्यान रखो चीज़ों का, सीखते रहो, अच्छा माइंडसेट डेवलप करो, और एक्शन लो, एक्शन लो तो कंसिस्टेंटली उस पे काम करते रहो, जरूर रिजल्ट मिलेगा दावे के साथ मैं बोलता हूँ, क्योंकि मैंने भी वो चीज़ें फील करी है भाई। मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था कि यार सब अमीर हो गए तो साला कचरा कौन साफ करे, सब अमीर हो गए तो साला ये क्या बोलते हैं मालिक कौन बनेगा, है ना। तो आई होप क्लियर हो गया रहेगा फंडा। चलो ठीक है, मिलते हैं किसी और ऐसे ही धमाकेदार ब्लॉग में, इंस्पायरिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो मचाते रहो।